दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने 10th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 का कंपैरिजन भारत से करता है, लेकिन कंपैरिजन तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स करते हैं, लेकिन जहां बात आती है कंपटीशन की तो वहां JF-17 भाग खड़ा होता है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भारतीय तेजस विमान का कॉकपिट झांकते नजर आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। दरअसल सिंगापुर एयर शो में हमारा तेजस भाग लेता है, लेकिन JF-17 आउट हो जाता है। इससे पहले दुबई एयर शो 2021 में भी तेजस पार्टिसिपेट करता है और JF-17 विड्रॉ कर लेता है लास्ट मिनट में। इससे और पहले जाएं तो मलेशिया लाइमा 2019 में तेजस पार्टिसिपेट करता है, लेकिन JF-17 अचानक से अपना नाम वापस ले लेता है। इसके अलावा बहरेन एयर शो 2016 में भी तेजस पार्टिसिपेट करता है, लेकिन JF-17 यहां भी अपना कर्तव्य नहीं दिखाता। मलेशिया टेंडर से JF-17 को बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि अभी भी हमारा तेजस फाइनल राउंड में बना हुआ है। दोस्तों यही कारण है कि हम सब JF-17 को 10th जनरेशन का बताते हैं, क्योंकि किसी भी एयर शो में इसकी मुंह दिखाई ही नहीं होती। और हो सकता है कि दुनिया की नंबर वन खुफिया एजेंसी ISI या फिर दुनिया की नंबर वन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा करने से मना किया हो, या खुद दुनिया का नंबर वन PM दुनिया की मोस्ट हैंडसम लेडी इमरान खान ने ही मना किया हो। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान का बहुत रोस्ट कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपका एक मिनट खराब किया, लेकिन JF-17 की औकात दिखाना भी जरूरी था। इस वीडियो में हम दो न्यूज को कवर करने वाले हैं, पहली तेजस को लेकर है और दूसरी रूस को लेकर है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना पहली बार अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को यूनाइटेड किंगडम भेजने वाली है, क्योंकि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट UK में आयोजित की जाने वाली कॉम्बैट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। यह युद्ध अभ्यास 7 से लेकर 25 मार्च 2022 तक चलेगा और इसमें कई देशों के टॉप फाइटर जेट भाग लेने वाले हैं। ये पहली बार है जब तेजस एयरक्राफ्ट इस तरह की किसी एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। ऐसा बताया गया है कि भारतीय वायुसेना अपने 5 एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड किंगडम भेजेगी और ये युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। तेजस के अलावा इस युद्ध अभ्यास में F-35, लाइटनिंग 2, F-15EX, यूरोफाइटर टाइफून और भी बड़े बड़े जहाज हिस्सा लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये पहली बार होगा जब भारत एक मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास जो है उसमें शिरकत करेगा अपने तेजस के साथ। अभी तक तेजस जहां जहां गया है वो सब एयर शो वगैरह थे, ये पहली बार है जब युद्ध अभ्यास में वो शिरकत करेगा। इसे तेजस विमान के लिए एक बड़ा कीर्तिमान माना जा रहा है, क्योंकि इस समय तेजस हर एयर शो जो आयोजित किए जा रहे हैं उसमें भाग ले रहा है। इससे तेजस ने एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है। UK द्वारा आयोजित की जा रही इस कोबरा वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम अपने अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। यह तेजस के लिए पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह की कॉम्बैट वॉर एक्सरसाइज में, वो भी इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के सामने। ऐसी उम्मीद अब काफी ज्यादा जताई जा रही है कि अब फाइनली इसके एक्सपोर्ट को लेकर भी कोई बड़ी अपडेट हमें सुनने को मिल जाए, और जिस दिन ऐसा होगा यकीनन हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम सब इसके एक्सपोर्ट की खबर सुनने के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल मलेशिया से इसको लेकर अच्छी खबर आने की उम्मीद काफी ज्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं विश्व भर में, इससे भारत के सामने एक बार फिर से एक बड़ी समस्या आ गई है, और इसका कारण है कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता और एक बड़ा आयातक देश है। इस तरह की सिचुएशन में जैसे कि अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत किसी एक के ऊपर डिपेंड न होकर चीजों का एक बड़ा निर्माता और निर्यातक देश बने। खासकर इस समय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की समस्या एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के अपने संसाधन काफी सीमित है। इसके बावजूद भारत अपने फ्यूचर की तैयारियों के दम पर दुनिया भर में ऊर्जा के निर्यात का लक्ष्य रखे तो ये दुनिया के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत खुद अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है। लेकिन भारत एक अच्छी नीति और लक्ष्य के तहत पिछले हफ्ते ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान किया है। इसे लेकर दुनिया भर में भारत की सराहना भी हो रही है। इस क्रांतिकारी कदम के तहत देश में 2030 के समय अवधि से पहले घरेलू ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को 5 मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां तक कि लंबी दूरी के समय अवधि तक भारत को ग्रीन ऊर्जा का निर्यातक बनाने की तैयारी भी चल रही है। यहां पर अगर भारत का अतीत देखा जाए तो ऊर्जा के लिए भारत रशिया के भरोसे पर था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत इस क्षेत्र में रूस को किनारे करके अपने दम पर इस समस्या का समाधान कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो भारत हर फील्ड में सेल्फ डिपेंड बनने की ओर चल पड़ा है। और दोस्तों भारत के आत्मनिर्भर मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। वहीं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।